शिक्षा प्रणाली को उपयुक्त मानते थे जो व्यक्ति को जीवन में आने वाले संघर्ष के लिए तैयार कर सके, उसे इस योग्य बनाएगी भविष्य की चुनौतियों का डट कर सामना कर सके। All over the country as the National Youth Day. I am thankful to Swami Abhisanandaji for inviting me to take part in the program. रामकृष्ण मिशन आश्रम मोराबादी द्वारा प्रकाशित किया जाता है प्रतिवर्ष, जिसका विमोचन महामहिम। Our sacred motherland is a land of religion and philosophy. Every country has its own line of natural growth. Each nation has a theme, and India's theme is religion. As stated by Swami Vivekananda, three things are necessary to make every man great, every nation great: conviction of the powers of goodness, absence of jealousy and suspicion, and helping all who are trying to be and do good. Corruption, unemployment, ineffective education system, disrespect for social law and order, growing insecurity of women and children, growing divide between the classes of people in society, and poverty are the main problems that India faces. Swami Vivekananda recommended effective ways to deal with these various concerns. सर्वप्रथम स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर उन्हें नमन करता हूँ और उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आज उनकी जयंती को पूरा राष्ट्र पूरे उत्साह के साथ राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मना रहा है। आप सभी को मैं राष्ट्रीय युवा दिवस की भी शुभकामनाएं देता हूं। रामकृष्ण मिशन आश्रम द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में आप सबके बीच आकर मैं बहुत प्रसन्न हूं। प्रसन्नता है कि रामकृष्ण मिशन रांची द्वारा इंडियन योग एसोसिएशन एवं लायंस क्लब के सहयोग से राज्य स्तरीय वार्षिक प्रतियोगिता नया भारत गढ़ो कार्यक्रम विषय पर कक्षा 3 से लेकर विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों शोधार्थियों के लिए विभिन्न प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। मुझे बताया गया है कि इस प्रतियोगिता में 70,000 से अधिक विद्यार्थियों शोधार्थियों एवं अन्य ने निबंध कराया। विद्यालय स्तर पर 66,000 से अधिक विद्यार्थियों ने ऑनलाइन एवं ऑफलाइन रूप से भाग लिया। विश्वविद्यालय स्तर पर 3600 से अधिक विद्यार्थियों शोधार्थियों ने भाग लिया। मैं पुरस्कार प्राप्त करने वाले के साथ साथ सभी प्रतिभागियों को बधाई देता हूँ और रामकृष्ण मिशन एवं प्रतियोगिता के आयोजन में भूमिका निभाने वाले अन्य संस्थाओं को इस आयोजन की सफलता के लिए बधाई देता हूँ। रामकृष्ण मिशन संस्था के लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि इसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद जी द्वारा अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की स्मृति में की गई थी। रामकृष्ण परमहंस के विचारों व उपदेशों के अनुरूप गठित यह एक मिशन था। रामकृष्ण परमहंस का मानना था कि मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि रामकृष्ण मिशन ने समाज सेवा के क्षेत्र में प्रारंभ से ही सक्रियता एवं समर्पण से लोगों के बीच अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। यह संस्था शिक्षा, संस्कृति, स्वास्थ्य, कृषि, महिला सशक्तिकरण आदि के क्षेत्र में अपनी सक्रिय भूमिका निभा रही है। यह संस्था लोगों को जागरूक करने के दिशा में और भी सक्रियता से कार्य करें, जिससे अधिक से अधिक मानव कल्याण एवं परोपकार हो सके। युवा दिवस के अवसर पर ये बताना है, जो स्वामी विवेकानंद जी जो चिरो युवा थे, स्वामी जी सबसे ज़्यादा भर से युवा का वोट थे। भारत युवा का देश है, 3 आदमी में भारत में 2 आदमी युवा है, झारखंड में देखते हैं 10 आदमी में 7 आदमी युवा है। जो स्वामी जी का युवा के लिए मतलब 3 H, हैंड, हेड एंड हार्ट, मतलब स्वास्थ्य, मतलब उसका जो हुनर होना चाहिए हाथ में, ब्रेन में अच्छा विचार होना चाहिए और दिल में सदाचार होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए। ऐसा युवा जो होगा तभी हम लोग का
समाज उन्नति होगा, देश उन्नति होगा, तभी स्वामी जी के सपनों का भारत, जब एक भी आदमी भूखा नहीं रहेगा, एक भी आदमी बेरोजगार नहीं रहेगा, एक भी आदमी अशिक्षित नहीं रहेगा, आपस में भाईचारा रहेगा, ही रहेगा। उनसे बताएं जो हैव फेथ ऑन योर सेल्फ, ऑल पावर इज इन यू, बी कॉन्शियस एंड ब्रिंग इट आउट, यू आर द मेकर ऑफ योर ओन डेस्टिनी, तुम अपना भाग्य खुद ही निर्माण कर सकते हो, दूसरे को डिपेंडेंट मत। स्वामी जी का कहना था कि व्यवहारिक ज्ञान सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, कि हम जो भी ज्ञान अर्जन करते हैं उसको अगर हम अपने जीवन में उसका उपयोग ना करें तो फिर उसका कोई मतलब नहीं होगा। एकदम एकदम सही है ये चीज़। स्वामी जी बताया जो भारत में जो गीता में उपनिषद आदि में अच्छा अच्छा ज्ञान है, नॉलेज है, किंतु वो चीज़ हम लोग दैनंदिन उपयोग नहीं कर सकते। इसलिए स्वामी जी बात इतने सरल से बताना है कि छोटे से बच्चे भी समझ सकता है, अपना जीवन उपयोग कर सकता है, करके स्टूडेंट बनेगा, किसान अच्छा किसान बनेगा, टीचर अच्छा टीचर बनेगा, लीडर अच्छा लीडर बनेगा, जो जो फील्ड में है वो फील्ड में एक्सेल करेगा, जिसके साथ अपना भी जीवन सार्थक होगा, स्वावलंबी होगा, साथ साथ देश को भी आगे ले जाएगा।